दोस्तों अगर आप भी पुजारा को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन पुजारा ने घमंड में चूर ऑस्ट्रेलिया को चखाया मजा। तूफानी छक्के चौकों से रचा इतिहास, अब मैच में आएगा असली मजा। तो भारत की पूरी बल्लेबाजी का वीडियो यहां दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि पुजारा और रोहित में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला जारी है, जहां गुरुवार 2 मार्च को मैच के दूसरे दिन का खेल जारी है और ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 197 रनों पर ही ढेर हो गई थी और इस तरह टीम को 88 रनों की बढ़त मिली। क्योंकि आज दूसरे दिन के खेल में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने यहां कमाल की गेंदबाजी करवा के ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया एक बड़े स्कोर तक पहुंचने का। जी हां दोस्तों, हुआ ये था कि मैदान पर आज दूसरे दिन पीटर हैंडस्कॉम्ब और कैमरन ग्रीन ने पारी की शुरुआत की थी, जहां ये दोनों ही बल्लेबाज 19 और 21 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि यहां पीटर हैंडस्कॉम्ब का विकेट अश्विन ने चटकाया तो वहीं कैमरन ग्रीन को उमेश यादव ने चलता किया और ये दो बड़े विकेट गिर जाने के बाद तो मानो ऑस्ट्रेलिया के सभी विकेट एक के बाद एक पानी की तरह बहते चले गए हों। क्योंकि यहां पर एलेक्स कैरी 3 रन तो वहीं मिचेल स्टार्क 1 रन, नाथन लियोन 5 रन और टॉड मर्फी 0 रन पर ही पवेलियन की ओर वापस लौटे। और भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने जहां 4 विकेट लिए तो वहीं अश्विन और उमेश यादव के हाथ 3-3 सफलताएं लगी। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ कर दिखाने की, जहां भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल उतरे। दोनों बल्लेबाज अच्छी साझेदारी करते उससे पहले ही बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शुभमन गिल अपना विकेट गवा बैठे। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल यहां नाथन लियोन की गेंद पर बोल्ड आउट हो गए, जहां शुभमन गिल ने 15 गेंदों में मात्र 5 रन ही बना पाए और भारत को ये पहला बड़ा झटका लग गया था। भारतीय टीम अभी भी 70 रन पिछड़ी हुई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम से, लेकिन यहां पर रोहित शर्मा और चितेश्वर पुजारा पारी को संभाले हुए थे। लेकिन किसी को क्या ही पता था कि अगले पल चितेश्वर पुजारा का साथ निभा रहे कप्तान रोहित शर्मा अपना विकेट गवा देंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर रोहित शर्मा आज के इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर चुके थे और मुश्किल वक्त भी निकाल चुके थे, लेकिन यहां पर जैसे ही उनको बड़े शॉट लगाने की मंशा उठी वो तभी अपना विकेट गवा बैठे। जी हां दोस्तों, नाथन लियोन की गेंद पर वो LBW आउट हुए और यहां पर रोहित शर्मा ने मात्र 12 रन बनाए और भारत को 2 बड़े झटके 32 रन के कुल स्कोर पर ही लग चुके थे। अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाए गए स्कोर से लगभग 50 रन पीछे थी और यहां पर विराट कोहली और चितेश्वर पुजारा मैदान पर टिके हुए थे, जहां दोनों ही बल्लेबाज बखूबी कोशिश कर रहे थे कि भारत के स्कोर को इस मुश्किल मैदान पर जैसे तैसे करके आगे बढ़ाया जाए। और यहां पर विराट कोहली चितेश्वर पुजारा एक दूसरे का बखूबी साथ निभाते हुए नजर आए, जहां इस दौरान विराट कोहली थोड़ा बहुत बीच में डगमगाए जरूर, लेकिन चितेश्वर पुजारा के साथ मिलकर उन्होंने एक अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया, जहां भारत का स्कोर अब देखते ही देखते पहले 50 रन के पार पहुंचा। और फिर क्या था, भारतीय टीम ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो जानी जाती है। यहां पर विराट कोहली और चितेश्वर पुजारा ने मिलकर भारतीय पारी को 100 रन के पार पहुंचाया और देखते ही देखते भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़त हासिल करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो कि अभी तक मैच की लाइव अपडेट बोले जाने तक चितेश्वर पुजारा और विराट कोहली शानदार लय में चल रहे हैं, जहां चितेश्वर पुजारा अपने अर्धशतक के बेहद ही नजदीक पहुंचने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं विराट कोहली 13 रन बनाकर मैथ्यू कोहिनमन की गेंद पर आउट हो गए हैं। वहीं रविंद्र जडेजा, चितेश्वर पुजारा, सुरेश अय्यर पारी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और वैसे भी इन दोनों बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद सुरेश अय्यर, श्रीकर भरत, रविंद्र जडेजा और अश्विन का आना बाकी है, जो कि अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और यहां पर अक्षर पटेल भी तूफानी बल्लेबाजी करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी पारी में कम से कम 200-250 रनों का लक्ष्य तो रखने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। बाकी दोस्तों आप सभी की क्या राय है भारत की ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखने के बाद? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।